साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इन सब्जेक्ट्स की मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ प्यारे साथियों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप भी अपना ओपिनियन बताना कि क्या रियल में इतनी कट ऑफ जा सकती है। देखो प्यारे साथियों, बहुत सारे ऐसे प्यारे कैंडिडेट होते हैं जिनका सब्जेक्ट तो बहुत गजब का होता है, उनके सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट पेपर में उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका जेरफ रुक जाता है, उनका नेट रुक जाता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का फोन आता है, सर सब्जेक्ट में तो हम धमाल मचा देते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर में हमारा कुछ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जेरफ रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारा नेट रुक जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर अभी जून 2023 में जो यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, उसके लिए फर्स्ट पेपर का बिल्कुल जीरो लेवल से बैच स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो यदि आप चाहते हो जून 2023 में जेरप क्वालिफाई करना, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, और स्पेशली फर्स्ट पेपर में 80% प्लस के स्कोर के साथ, फर्स्ट पेपर में आप कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर का बिल्कुल जीरो लेवल से नया बैच शुरू हुआ है। जस्ट 4 दिन पहले बैच की शुरुआत हुई है, आप वो बैच ले सकते हैं। ये रिजल्ट मेरे पिछले वाला बैच का है मेरे प्यारे साथियों, जहाँ पर बैच में हमारे टोटल 2 बैच थे। एक बैच में 332 कैंडिडेट थे, दूसरे में 208 कैंडिडेट थे, और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ये टोटल 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए थे। कोमल और रामचरण के 40 क्वेश्चन ठीक हुए थे, पूनम रवि सिया के 41 क्वेश्चन ठीक हुए थे, निर्मार अंकित के 42 क्वेश्चन ठीक हुए थे। यदि वहीं मैं बात करूं, 78 नंबर लाने वाले 8 कैंडिडेट थे, 76 नंबर लाने वाले 12 कैंडिडेट थे, और 74 नंबर लाने वाले 20 कैंडिडेट थे, 72 नंबर लाने वाले 32 कैंडिडेट थे, 70 नंबर लाने वाले 48 कैंडिडेट थे। ठीक है, ये हमारे पिछले वाले बैच का रिजल्ट है। और मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेरफ क्वालिफाई है, मेरा फर्स्ट पेपर में ऑलवेज बहुत गजब का स्कोर होता था। यदि कोई कैंडिडेट जनरल से जेरफ क्वालिफाई करता है तो जाहिर सी बात है वो केवल और केवल सब्जेक्ट के दम पर जेरफ क्वालिफाई नहीं कर सकता, वो फर्स्ट पेपर में भी बहुत गजब का स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से उसका जेरफ क्वालिफाई होता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का बिल्कुल सिस्टमेटिक वे वाला बहुत ही शानदार वाला बैच शुरू हो चुका है। अब यदि मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं। देखो, ज्योग्राफी में नेट के लिए कट ऑफ कम से कम 182 प्लस जाने वाली है, जेरफ के लिए 202 प्लस जाने वाली है। ठीक, उसके बाद में मैं बात करूं ओबीसी में नेट के 164 प्लस जाने वाली है, जेरफ के 186 प्लस जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की नेट के लिए 164 प्लस जाने वाली है, जेरफ के लिए 192 प्लस जाने वाली है। एससी के लिए नेट की 152 प्लस जाने वाली है, जेरफ के लिए 176 प्लस जाने वाली है। और एसटी के लिए नेट की 150 प्लस जाने वाली है, और जेरफ के लिए 168 प्लस जाने वाली है। प्यारे साथियों, यदि आप ज्योग्राफी में इसके प्लस का स्कोर करना चाहते हो, यदि आप ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर दोनों में 202 प्लस का स्कोर करना चाहते हो, 210 प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो यहाँ पर ज्योग्राफी का भी बिल्कुल जीरो लेवल से एक बिल्कुल शानदार वाला नया बैच शुरू हुआ है, वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो, मैं पेपर लेवल, पेपर पैटर्न दोनों को स्पेशली तरीके से ध्यान में रखकर सारा सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा। और इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं बता दूं, ज्योग्राफी का हमारे से बेस्ट कंटेंट कोई टीचर नहीं प्रोवाइड करवा सकता। और अब मैं ये बात किस इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ, तो इस को यदि आप जानना चाहते हो, तो इस वीडियो का एक वीडियो बना रखा है मैंने, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, 100% आपको लगेगा कि रियल में ज्योग्राफी का इससे बेस्ट कॉन्टेंट हो ही नहीं सकता। और यही बात है फर्स्ट पेपर के मामले में, फर्स्ट पेपर का भी हमारे से बेस्ट कंटेंट कोई प्रोवाइड नहीं करवा सकता। और यदि ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ, ये आप जानना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फर्स्ट पेपर की वीडियो का लिंक है, उसको आप जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों, देखो ये न्यू बैच के बारे में, आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF, संडे टू संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल पर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ है जो ये परसेंट में है प्यारे साथियों, जनरल का
नेट के लिए 58% प्लस, AWS का नेट के लिए 56+, OBC का नेट के लिए 54+, SC का नेट के लिए 52+, और ST का नेट के लिए 48+। वहीं यदि मैं बात करूँ JRF के लिए, तो जनरल का JRF के लिए 68+, AWS का 66+, OBC का 64+, SC का 62+, और ST का 60+ रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्यारे साथियों हमारे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो हिंदी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल की नेट की 62+ जाएगी, JRF का 70% प्लस जाएगा, AWS का नेट का 60+, JRF का 66+, OBC के नेट का 60+, SC नेट 58% प्लस, ST नेट 56% प्लस। यहीं यदि मैं JRF के मामले में बात करूं प्यारे साथियों, तो OBC की JRF के लिए 64% प्लस जाएगी, SC की JRF के लिए 62% प्लस जाएगी, और ST की JRF के लिए 60% प्लस जाने वाली है। तो ये कुछ इस तरीके से हिंदी सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अब मैं हम बात करें हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में प्यारे साथियों, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। नेट के लिए 56% प्लस जनरल का, AWS का 52% प्लस नेट के लिए, OBC का 50% प्लस नेट के लिए, SC का 48% प्लस नेट के लिए, ST का 46% प्लस नेट के लिए। JRF के लिए मैं बात करूं तो जनरल का 62% प्लस जनरल के लिए JRF के लिए, AWS का 60% प्लस JRF के लिए, OBC का 60% प्लस JRF के लिए, SC का 56% प्लस JRF के लिए, और ST का 56% प्लस JRF के लिए। ठीक है, यहां पर जैसे EWS वालों को 60% प्लस का तो स्कोर करना ही पड़ेगा कम से कम, ST वालों को 46% प्लस का स्कोर करना होगा, OBC वालों को 50% प्लस का करना होगा, SC वालों को 56% प्लस का तो करना ही होगा। उसके बाद संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो देखो संस्कृत की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल की नेट के लिए 62% प्लस, AWS की नेट के लिए 60% प्लस, OBC की नेट के लिए 58% प्लस, SC की नेट के लिए 56% प्लस, ST की नेट के लिए 54% प्लस। वहीं यदि मैं JRF के लिए बात करूं तो जनरल की JRF के लिए 70% प्लस, AWS की JRF के लिए 66% प्लस, OBC की JRF के लिए 64% प्लस, SC की JRF के लिए 62% प्लस, और ST की JRF के लिए 60% प्लस। तो इस तरीके से ये संस्कृत सब्जेक्ट का कट ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने टोटल 4-5 सब्जेक्टों को कवर किया है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, और ज्योग्राफी। तो टोटल हमने 5 सब्जेक्टों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की है। तो आपको इस कट ऑफ को लेकर आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करना।